तो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड अगेन ड्राइविंग कॉर्नर। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है तरुण। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हमें अपनी कार को किस तरीके से ड्राइव करना है प्रॉपरली। यानी कि इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आपने फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक किस तरीके से ड्राइव करना है। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, जब भी आपने अपनी कार को स्टार्ट करना है, ये हमारा क्लच है, इसको हमने किस तरीके से लगाना है ये देखिए। आप 1, 2, 3, 4 और 5 देख सकते हैं। आपने उसी पोजीशन पर जाना है जो उसकी सेंटर लाइन है, ये आपकी न्यूट्रल लाइन होती है। जैसे कि अगर मैं इसको मूव करूँ, सेंटर लाइन पर मूव हो रहा होता है हमेशा। इस गियर लीवर की टेंडेंसी होती है कि हमेशा अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये सेंटर लाइन में आ जाएगा। अगर ये फ्री होगा तो सेंटर लाइन पर आ जाएगा। तो अगर हमें फर्स्ट गियर एंगेज करना है तो हम इसको लेफ्ट की तरफ करके ऐसे फर्स्ट गियर लगा सकते हैं। फर्स्ट की पोजीशन पे हमें ले जाना। अगर हमें सेकंड लगाना बिल्कुल उसके नीचे है तो ऐसे करके बिल्कुल सेकंड गियर की पोजीशन में आ सकते हैं। अगर थर्ड लगाना है तो क्लच प्रेस करके ऐसे लाके इसके ऊपर ला सकते हैं। और आपने बिल्कुल जेंटली प्रेस करना है, कोई लोड नहीं देना इस पे। बहुत ही इजी है, तो मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हमें गाड़ी को धीरे धीरे स्पीड में किस तरीके से लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं अपनी गाड़ी क्लच गियर ले, अपनी गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं। न्यूट्रल अगर आपकी गाड़ी है तो आपने गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है और हमेशा ब्रेक पे पांव रखे। अगर आपने फर्स्ट गियर लगाना तो आप क्या करेंगे, अपना कार का क्लच पूरा अंदर तक प्रेस करेंगे और यहाँ से फर्स्ट गियर लगा के आपने क्या करना है, धीरे धीरे अपनी कार का क्लच रिलीज करना है और हल्का हल्का एक्सीलेटर दबाना है। तो ऐसे में आप क्या देखेंगे कि आपकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैं रोक लेता हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी को, न्यूट्रल कर लेता हूँ। आपने कभी भी क्लच बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपने अगर रुकना है तो आप क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक प्रेस करना है। हमेशा आपने इस तरीके से अपनी कार को ड्राइव करना है। तो चलिए मैं एक बार फिर से करता हूँ। मैंने अपनी कार का फर्स्ट गियर यहाँ से लगा दिया है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सीलेटर देना है। अब देखिए आपकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे आपने क्लच रिलीज करते रहना है, एक्सीलेटर को प्रेस करते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आपको फील होगा आपकी गाड़ी की पावर ज्यादा लग रही है, आप ज्यादा आपकी गाड़ी आवाज कर रही है, तो वहां आपने गियर चेंज करना है। तो गियर चेंज करने के लिए आपने फिर से क्लच अंदर दबाना है और अपने एक्सीलेटर से पांव हटा लेना है और धीरे धीरे सेकंड गियर की पोजीशन में ले आना है और धीरे धीरे रिलीज करना है और एक्सीलेटर प्रेस करना है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से चल रही है। तो दोस्तों यही है तरीका अपनी कार को एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से चलाने का, जो कि मैं आप सभी को बताना चाहता था। लेकिन होता क्या है एक्चुअल सिचुएशन में, लोगों से गाड़ी चलती नहीं है। उनसे क्या होता है कि जब वो अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी झटके मारती है या बंद हो जाती है। तो क्यों होता है दोस्तों? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जब अपनी गाड़ी को आप चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पूरा क्लच पांव से अपना पांव क्लच से पूरा हटा लेते हैं एक बारी में, पर एक्सीलेटर प्रेस ही नहीं करते डर के मारे। तो आपने ये डर निकालना है और अपनी गाड़ी का क्लच प्रेस करना है और एक्सीलेटर प्रेस करना है अच्छे तरीके से। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको यही चीज करके बताता हूँ। ये मेरी गाड़ी भी न्यूट्रल पोजीशन में आ चुकी है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप चाहे तो अपनी गाड़ी को सिर्फ क्लच क्लच पे भी चला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई ऐसा कर सकता है। देखिए आपने बिल्कुल स्लोली स्लोली अपनी कार को मूव करना है। ये आपका ट्रैफिक में होगा, ट्रैफिक अगर आप सीख जाएंगे और धीरे धीरे चलाने लगेंगे तो आपको ट्रैफिक में ये चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली, यहाँ हमने अपनी गाड़ी का फर्स्ट गियर लगा लिया, फिर हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी कार का क्लच रिलीज करना है। तो आप क्या देखेंगे, आपकी गाड़ी धीरे धीरे मूव करेगी लेकिन इसमें वाइब्रेशन आ रही होगी, आप कैमरे के एंगल में देख सकते हैं। तो इस पीसी के लिए हम थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाते हैं। देखिए मेरी गाड़ी सिर्फ क्लच क्लच पर भी आगे बढ़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर मैं इसको छोड़ता रहूंगा तो धीरे धीरे मेरी गाड़ी पूरा क्लच पर आगे बढ़ती रहेगी। और देखिए मैंने कुछ नहीं दबाया, मेरी गाड़ी चले जा रही है, मुझे कुछ दबाने की जरूरत भी नहीं है। अब मेरे को रोकना है तो मैं क्लच दबा के ब्रेक प्रेस कर देता हूँ और गाड़ी को यहाँ पे न्यूट्रल कर लेता हूँ हमेशा। और न्यूट्रल करने के बाद ही आपने यहाँ से पांव हटाना है। तो अभी मैं बंद कर देता हूँ। तो आपने इसी तरीके से अपनी गाड़ी को चलाना है जब भी आप रोड पे चल रहे हैं। तो एक बार मैं आपको छोटा सा इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो पूरा सा थोड़ा सा अच्छे से चला के बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी कार को चलाना है। तो यहाँ मैंने अपनी कार को कर लिया है स्टार्ट, लगा दिया फर्स्ट गियर और धीरे धीरे एक्सीलेटर धीरे धीरे एक्सीलेटर और धीरे धीरे
कि देखिए सेकंड गियर यहाँ पे ले लिया मैंने, आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है जब आप बिगनर है, और आपने पे मिरर्स और धीरे धीरे कंट्रोल्स अच्छे से सेट करना है जब आप चला रहे हैं। देखिए मैं अभी स्लो ड्राइव कर रहा हूँ और मैं लेफ्ट साइड में ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ, और सीखने वाले टाइम पे आप सिखाने वाले टाइम पे आपने अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाना है। आपने इसी तरीके से राइट का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को ड्राइव करना है। और अगर आपको लगता है कि आपने और स्पीड गेन करनी है तो आप धीरे धीरे अपनी कार का आरपीएम इंक्रीज करिए, रेस दीजिए। एक टाइम लगेगा कि आपको कार की साउंड ज्यादा हो रही है, तभी आपने अपनी कार का गियर चेंज कर लेना है। और इंडिकेटर्स दे करके अपनी लेन को चेंज करें, इंडिकेटर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हॉर्न का यूज करें अगर आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन बहुत कई लोग कोई आपके सामने आ गया, आपने किसी को इन्फॉर्म करना है, तो आप हॉर्न का यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं अपनी कार को वापस यू टर्न कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने क्लच दबाया और ब्रेक को प्रेस किया, और ब्रेक को आपने बिल्कुल जेंटली प्रेस करना है, हल्का हल्का। अगर आप ब्रेक ज्यादा दबाएंगे तो आपकी गाड़ी क्या होगा कि आप जिस पोजीशन पे होंगे वहीं पर आपकी गाड़ी रुक जाएगी। दोस्तों ड्राइव करते वक्त अगर आप सीख रहे हैं, समझ गए हैं कि आपने धीरे धीरे किस तरीके से अपनी कार का क्लच रिलीज करना है और एक्सेलरेटर प्रेस करना है, ये कोऑर्डिनेशन है जो आपने सेट करना है। तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेशन है जो आपको सेट करना है कि किस तरीके से आपने ड्राइव करना है। ये चीज एक दिन में नहीं आएगी, हाँ ये हो सकता है कि आप दो तीन दिन के बाद थोड़ा समझ जाए, लेकिन आपको इसमें परफेक्शन चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको कम्प्लीटली अगर आपको इस चीज में परफेक्शन चाहिए तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की डेली। मैं ये गारंटी देता हूँ आप 2 हफ्ते या फिर 1 महीने के अंदर तो एकदम परफेक्ट कार ड्राइव करना सीख जाएंगे। दोस्तों ज्यादा तेज ना चलाएं कार को, उसकी स्पीड लिमिट पर चलाएं जितना आपको मेंशन किया गया है रोड पे साइन बोर्ड्स पे देख करके, और इंडिकेटर का यूज करें जब भी आपने कार के आप लेन चेंज कर रहे हैं। देखिए मैंने क्लच और ब्रेक को ऐसे हल्का हल्का प्रेस करके अपनी गाड़ी को स्लो कर लिया है और धीरे धीरे रिलीज करके और ऐसे ही आगे बढ़ा ले रहा हूँ। और यहाँ देखिए मैंने क्लच से पांव हट गया है, और कोशिश करें कि अवॉइड करें ज्यादा देर क्लच पे पांव रखने का। स्टार्टिंग में तो मैं समझ सकता हूँ कि ये होता है, कई लोग रखते हैं पांव, लेकिन जब आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होने लगे तो धीरे धीरे आपने इस तरीके से देखे मैंने क्लच चेंज किया, और गियर चेंज करने के बाद बस आपने उसके पांव हटा लेना है। धीरे से हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो करना है, आराम से अपना चलाना है। ये मत समझिए कि आपकी गाड़ी एक ही गियर पर चलती रहेगी हर टाइम, ऐसा नहीं होगा। आपने गियर चेंज करने की बहुत जगह नौबत आएगी क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है, कोई AMT तो है नहीं। तो आपने इसी तरीके से ड्राइव करना है। ये देखिए आपको अगर हल्का सा स्पीड कम करनी है तो आप सिर्फ ब्रेक दबाएंगे और अपनी कार को चलने देंगे उसी गियर में, मोमेंटम को मेंटेन करके। अगर मोमेंटम में कमी आती है तो आपको गियर लो करना पड़ेगा और फिर ड्राइव करना पड़ेगा। तो अगर आपको इतना क्लियर हुआ, समझ में तो आया होगा आपको, अगर इतना क्लियर हुआ तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से ये चीज करके दिखाता हूँ कैसे आपने अपनी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ानी है। देखिए मैंने अपनी गाड़ी कम्प्लीटली स्टॉप कर दी है और पांव ब्रेक पे है। आपने क्या करना है, अपना क्लच प्रेस करना है अंदर तक, फर्स्ट गियर एंगेज करना है और धीरे धीरे अपना क्लच रिलीज करना है हाफ तक, और हाफ के बाद आपने अपना एक्सेलेटर भी साथ में उसके प्रेस करना है। और ये काम इतना स्मूथली करना है, मान लीजिए आप रुई पे पांव रख रहे हैं, इस तरीके से आपने अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, और जहां आपको लगता है उसके आरपीएम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आरपीएम आप रखे 2000 यानी कि, और फिर आपने धीरे धीरे अपनी गाड़ी का गियर चेंज करते जाना है और अपना पावर रिलीज करते जाना है, जैसे जैसे उसमें आप पावर हटा सके। क्योंकि ज्यादा देर अगर आप अपनी कार के क्लच को प्रेस करके रखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपकी कार का क्लच प्लेट बर्न होगा। तो आप ये देख रहे हैं मैं किस तरीके से अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे काफी हद तक कि आपने क्या करना है, किस तरीके से अपनी कार को ड्राइव करना है।
चलिए मैं आपको थोड़ा सा और हिस्सा कवर करके बता देता हूँ। यहाँ पर चला करके दिखाया था, ये देखिए मैं गियर चेंज करना, तो मैंने क्लच प्रेस किया, एक्सेलरेटर पर हटा के गियर लाके बिल्कुल स्लोली, जैसे आपने फर्स्ट गियर में धीरे धीरे उठाया अपनी गाड़ी को, उसी तरीके से आपने हर गियर पे अपनी गाड़ी को धीरे धीरे उठाना है। क्योंकि क्या होता है, आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं लेकिन आपकी गाड़ी के जब गियर चेंज करते हैं तो आपकी गाड़ी में झटके आते हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। ये एक बहुत मतलब एक तरीके से आप इसको प्रॉब्लम समझ सकते हैं, जो नहीं जाती, एक बार हैबिट बन जाती है तो बन जाती है। तो कोशिश करें कि सीखने टाइम पर ही इसको अवॉइड करें। देखिए स्लोली एकदम, जब आप सीख रहे हैं अपनी कार को स्लो ड्राइव करें, अगर आप तेज अपनी कार को ड्राइव करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आपने किस तरीके से ड्राइव करना है और किस टाइम पे क्या करना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कार को ड्राइव किया जाता है, एक्चुअल क्या है। ए टू जेड मैंने हर चीज बता दी, ये आपका स्टेयरिंग व्हील है, ये आपके मिरर्स मिल जाएंगे, आपने इन सब चीजों को फॉलो करना है, इन सबको देखना है और फिर अपनी कार को ड्राइव करना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे आप अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे आपके साथ एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।